हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 6 नवंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjaltpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन, आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और sscjaltpinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 5 नवंबर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आकाश कुमार का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही जवाब था मुक्केबाजी। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। याहू इंक ने 2 नवंबर 2021 को किस देश की सेवाओं को वापस ले लिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो तेजी से चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण याहू इंक ने 2 नवंबर 2021 को चीन से हाथ खींच लिया है। याहू ने 1 नवंबर 2021 से चीन में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। याहू ने यह निर्णय उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और एक मुफ्त और खुले इंटरनेट के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप लिया। चीन से याहू की वापसी काफी हद तक प्रतीकात्मक है, क्योंकि चीन ने याहू सेवाओं और उसके वेब पोर्टल को पहले ही अवरुद्ध कर दिया था। चीन ने 2010 के दौरान अपनी मुख्य भूमि पर याहू की संगीत और ईमेल सेवाओं को भी बंद कर दिया। चीन अंतर्राष्ट्रीय सोशल मीडिया साइटों और फेसबुक और गूगल जैसे सर्च इंजन को वहां संचालित करने की अनुमति नहीं देता है। बात करें यहाँ पर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा की व्यवहार्यता में सुधार के लिए 2 नवंबर 2021 को OSOWOG का आह्वान किया। आपको बताना है कि इसमें एस की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सन। तो सौर ऊर्जा व्यवहार्यता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नवंबर 2021 को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो किसी भी क्षेत्र की सौर ऊर्जा क्षमता को मापने के लिए जल्द ही दुनिया को एक कैलकुलेटर प्रदान करेगी। सौर ऊर्जा की चुनौती से निपटने के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड समाधान का उपयोग किया जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल को 1 घंटे में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पृथ्वी पर प्रत्येक मानव द्वारा 1 वर्ष के लिए आवश्यक बिजली देने के लिए किया जा सकता है। हालांकि सौर ऊर्जा केवल दिन के दौरान ही उपलब्ध है। एक और चुनौती यह भी है कि यह मौसम की स्थिति पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और डैश ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डे NRLM के लिए समझौता ज्ञापन पर साक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर साक्षर किए हैं। मंत्रालय और फ्लिपकार्ट के बीच समझौता ज्ञापन स्थानीय व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों SHGs को ई कॉमर्स के दायरे में लाकर उन्हें सशक्त बनाने में मदद करेगा। यह साझेदारी डे NRLM के स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए ग्रामीण समुदाय की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य के अनुरूप है। इस प्रकार यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को और गति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में किस देश में एक स्वतंत्र संरक्षण संगठन ने अपना वार्षिक बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड आयोजित किया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड फॉरेस्ट एंड बर्ड में एक स्वतंत्र संरक्षण संगठन ने हाल ही में अपने वार्षिक बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड का आयोजन किया। वर्ष 2021 में वार्षिक बर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार पेका पेका तोरोआ को दिया गया है, जो न्यूजीलैंड की एक देसी बैट प्रजाति है। पक्षी ना होते हुए भी प्रजाति को प्रतियोगिता में विजेता बनाया गया। यह न्यूजीलैंड के 2 भूमि स्तनधारियों यानी लैंड मैमल्स में से एक है। चमगादड़ की इस प्रजाति को फॉरेस्ट एंड बर्ड द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर सूची में जोड़ा गया था, क्योंकि बैट की इन प्रजातियों के साथ साथ देशी पक्षियों को निवास स्थान के नुकसान, शिकारियों और जलवायु परिवर्तन जैसी समान समस्याओं से खतरा है। इस प्रकार 2021 में पहली बार संगठन ने एक देशी स्तनपायी को प्रतियोगिता में प्रवेश करने की अनुमति दी है। बात करें यहाँ पर न्यूजीलैंड की, तो इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, पीएम है जेसिंडा अर्डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस केंद्र मंत्री ने आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य देखभाल योजना के विस्तारित लाभों की घोषणा की है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। तो 2 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के कर्मियों को आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य योजना का लाभ दिया है। सीएपीएफ चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना पूरे भारत में दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होगी। इससे 35 लाख सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों के सदस्यों को लाभ होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी को स्वास्थ्य कार्ड सौंप कर योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य को एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो वस्तुतः खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित किया गया? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो तेलंगाना एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जो वस्तुतः खाद्य और कृषि संगठन एफएओ द्वारा आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस 2 दिवसीय सम्मेलन है। यह 4 और 5 नवंबर 2021 को रोम में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन बीज उद्योग के विकास पर चर्चा करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने भारत के कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता दी है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 1 नवंबर 2021 को भारत के कोवैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन को मान्यता दी है। भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड दो व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले टीके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही कोविशील्ड को मान्यता दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सीय सम्मान प्रशासन यानी थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन TGA ने यात्री के टीकाकरण की स्थिति स्थापित करने के लिए कोवैक्सीन के साथ साथ BBIBP कॉर्बी टीके को मान्यता दी है। कोवैक्सीन को 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के यात्रियों के लिए मान्यता दी गई है, जबकि BBIBP कॉर्बी वैक्सीन को 18 से 60 वर्ष के लोगों के लिए मान्यता दी गई है। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस केंद्र मंत्री ने हज 2022 की घोषणा की है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 नवंबर 2021 को दक्षिण मुंबई के हज हाउस में हज 2022 की घोषणा की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2022 है। हज मोबाइल ऐप के जरिए लोग आवेदन कर सकेंगे। हज एक इस्लामी तीर्थ यात्रा है जो सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में प्रतिवर्ष की जाती है। भारत से हर साल 2 लाख हज यात्री सऊदी अरब जाते हैं। नई व्यवस्था से भारतीय हज यात्रियों के करोड़ों रुपए बचाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों EV पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। तो ओडिशा सरकार ने राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत छूट दी गई थी और यह 2025 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं, खरीदारों, बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव रखा है। सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए मोटर वाहन करो और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट की घोषणा की है। बात करें यहाँ पर ओडिशा की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंडा महानदी, इंदिरावती डैम, इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। लास्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARC को नियंत्रित करने के लिए किस पैनल ने ओवरहॉलिंग नियमों का सुझाव दिया है? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पैनल ने संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों ARC को नियंत्रित करने के लिए नियमों में बदलाव का सुझाव दिया है। ARC नियमों में बदलाव से लेन देन के लिए खराब ऋण की उपलब्धता में वृद्धि होगी। यह बाजार में संकट ग्रस्त कंपनियों के लिए निवेशकों का एक विस्तृत समूह भी लाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो याहू इंक ने चाइना से अपनी सर्विसेज पुल आउट कर ली है। OSOWOG में S का मतलब है सन। MORD ने फ्लिपकार्ट के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के लिए एमओयू साइन किया है। न्यूजीलैंड में बर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया। आयुष्मान सीएपीएफ हेल्थ केयर स्कीम अमित शाह ने लॉन्च की। तेलंगाना को एफएओ के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हज 2022 अनाउंस किया। ओडिशा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फुल एग्जेम्पशन देगा। और आरबीआई पैनल ने एआरसी को गवर्न करने के लिए ओवरहॉलिंग रूल को सजेस्ट किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, याहू इंक ने 2 नवंबर 2021 को किस देश की सेवाओं को वापस ले लिया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने हज 2022 की घोषणा की है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।